हे पाइशेस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज हम आपके दिसंबर मंथ की लव प्रेडिक्शन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि दिसंबर मंथ में आपके लव लाइफ में क्या क्या चीज़ें होंगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में। और साथ में ये भी देख लेंगे कि अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हों और किसी के साथ सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट में हो, सिचुएशनशिप में हो, या किसी भी इशूज़ में हो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को लेकर या लव इंटरेस्ट को लेकर, तो देख लेंगे कि उनकी भी फीलिंग्स या उनके एफर्ट्स आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए क्या रहेंगे। सब चीज़ें डिटेल में देख लेंगे, गाइडेंस भी देखेंगे। ओके, बाकी साइंस की रीडिंग्स जो हैं बहुत जल्द चैनल पर आ जाएंगे और कुछ साइंस के ऑलरेडी चैनल पर आ चुके हैं, तो आप चैनल पे विजिट करके ज़रूर चेक कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी गाइस, लेट्स सी फिशेस, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू इन योर लव लाइफ फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। लेट्स सी, हमारे पास है फाइव ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ कॉइन्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज यूनिवर्स वन मोर कार्ड प्लीज। फोर ऑफ वंड्स, व्हाट ऑन द नेक्स्ट वी हैव पेज ऑफ वंड्स। वाओ गाइस, दैट्स अमेजिंग एनर्जीज। वाओ वाओ पाइशेस, यू आर लकी। सो आपके लव लाइफ में दिसंबर मंथ में क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो मुझे नजर आ रहा है कि आप अपने वर्थ को समझेंगे कि आप क्या डिज़र्व करते हैं लाइफ में। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बहुत आपने ठोकरें खाई हैं, या फिर हो सकता है आप बहुत टाइम से अकेले हो, बहुत टाइम से सिंगल हो, बहुत ज़्यादा पेन में हो। हो सकता है कि आपको हमेशा टॉक्सिक लोग मिले हैं जिन्होंने आपकी कद्र नहीं की, जिन्होंने आपको समझा नहीं, आपके इमोशंस की इंपॉर्टेंस नहीं दी गई आपको, आपको वैल्यूएबल नहीं फील हुआ। हो सकता है किसी के लिए वेट भी कर रहे थे बहुत वक्त से, लेकिन मुझे लग रहा है कि फाइनली दिसंबर मंथ में आप रियलाइज़ करेंगे कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, आपको किस चीज़ के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, किस चीज़ के लिए नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सेल्फ लव की तो कमी डेफिनेटली यहाँ पर है, और आप ऐसे लोग से एक्सपेक्ट करते हैं प्यार जो कि आपके काबिल भी नहीं होते। ठीक है, तो जिनके पास खुद का कुछ नहीं है वो आपको किस तरीके से देंगे, इजेंट इट, जब उनका उनके पास ही कुछ ना हो तो। ओके, सो यही वाली एनर्जी है जो हो सकता है कि आप नहीं समझ पा रहे थे बहुत टाइम से, लेकिन अब आप समझ जाओगे। फाइनली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यू विल रियलाइज कि आप क्या डिज़र्व करते हो, आपको क्या मिल सकता है, और आप क्यों इस तरीके की सिचुएशन में खुद को सेटल कर रहे हो, क्यों पेन में हो। तो फाइनली मुझे लग रहा है कि आप हीलिंग मोड पर रहने वाले हो दिसंबर मंथ में। आप इस तरीके की एनर्जी में रहोगे, मूव ऑन भी करने के चांसेस हैं अगर आप किसी एक पर्सन के लिए वेट किए जा रहे थे। ओके, और चांसेस ये भी हैं कि वन साइडेड लव था, तो फाइनली आप रियलाइज करोगे कि इस तरीके से जीने का कोई मतलब नहीं है। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप अपने ट्रू लवर से मिलने वाले हैं। बहुत लोगों के लिए चांसेस हैं कि दिसंबर मंथ में आप उनसे मिलो। ज़्यादातर मुझे यहाँ पर ऑनलाइन वाली फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। सो चांसेस हैं कि आप या तो ट्रू लवर या फिर फ्यूचर स्पाउस से डेफिनेटली मिलने वाले हो दिसंबर मंथ में। आपको लगता है आप अकेले हो, आपको लगता है कि आपको कोई नहीं मिल सकता, आपको लगता है कि आपका शायद कोई नहीं है इस वक्त, लेकिन ट्रस्ट मी, जिनके साथ आपकी मैरिज होगी या फिर कोई इंसान तो होगा जो जेन्युइन लवर होगा, वो इंसान से आप दिसंबर मंथ में मिलने वाले हैं। और ज़्यादा मुझे यहाँ पर वाइब्स इसी तरीके से आ रही है कि ऑनलाइन थ्रू एनी काइंड ऑफ साइट्स लाइक इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे बहुत सारे साइट्स हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, फेसबुक है, ओके, और भी तरह तरह के साइट्स होते हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कम्युनिकेशंस आएंगे, ऐसे लोग आप अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि आपके लिए जेन्युइन हैं, जो आपको प्यार देंगे, जो आपको समझेंगे दिल से। क्योंकि अब तक मुझे लग रहा है कि आपने फालतू लोगों को ही लाइफ में इन्वाइट किया है, फालतू लोगों के लिए अपना टाइम, इमोशन, सब कुछ इन्वेस्ट किया है, और वो सिर्फ आपसे लेते गए और आपको आपकी कद्र तक नहीं की कि आप किस सिचुएशन में हो। ओके, सो अब मुझे लग रहा है कि आप अपने लाइफ में जेन्युइन लोग, अच्छे लोग, आपके वाइब्रेशंस को मैच करने वाले लोग, सेम पेज वाले लोग
आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, और दिसंबर मंथ में आप एक से ज़्यादा मुझे लोगों से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, और एक से ज़्यादा जो लोगों से आप मिलोगे, जो बात करोगे, या फिर हो सकता है कि आपको फॉलो रिक्वेस्ट आए, फ्रेंड रिक्वेस्ट आए, या फिर ग्रुप में आप मिल जाओ, कुछ भी हो, मुझे लग रहा है कि वो आपको सही में बहुत प्यार करेंगे, या फिर वो आपके लिए सही में जेन्युइन तरीके से इंटरेस्टेड रहेंगे. तो मुझे लग रहा है कि दिसंबर मंथ आपका एक्साइटमेंट वाला डेफिनेटली रहेगा, ठीक है. आपको अच्छा ज़रूर लगेगा, आपका कोई एक नया क्रश भी बन सकता है, ठीक है. या फिर हो सकता है कि अगर आपका कोई क्रश है तो वो आपको मैसेज कॉल करे, उनके साथ आपकी बातचीत फाइनली स्टार्ट हो, आप एक छोटे मोटे डेट पर भी जा सकते हैं. ऐसे भी चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, कुछ होता हुआ डेफिनेटली नज़र आ रहा है आपकी लव लाइफ में दिसंबर मंथ में. और कहीं ना कहीं आप जो है ना, मुझे लग रहा है कि एक आइसोलेटेड एनर्जी से भी निकल रहे हैं. आइसोलेटेड मतलब ये नहीं कि घर में बंद हो, मतलब आइसोलेटेड एनर्जी मतलब आपको हो सकता है कि विश्वास उठ गया था प्यार से, या फिर आपको लगता था कि नहीं मिल सकता, लेकिन फाइनली यू आर रिकवरिंग. ओके, ये एनर्जी दिख रही है. तो चलिए देख लेते हैं कि अगर आपके माइंड में कोई पर्सन है तो उनकी फीलिंग्स और उनके एफर्ट्स क्या रहेंगे आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए. हमारे पास है सिक्स ऑफ कप्स, द डेविल. सो आपकी रियूनियन भी हो सकती है, ठीक है, अगर आप सेपरेशन में हो तो. आगे और भी कार्ड्स देखते हैं. सेवन ऑफ वंड्स, ओके, वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. What on the next we have? Seven of Pentacles. So, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि अगर आप अपने पर्सन के साथ सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो ये इंसान वापस आएंगे दिसंबर मंथ में. ये इंसान अपने दिल की बातें कहेंगे, ठीक है, पास्ट को लेकर भी हो सकते हैं बातें करें, और चाहेंगे कि आप उनके साथ चीज़ों को ठीक कर लें. ओके, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं फिजिकल लेवल पर भी, बहुत ज़्यादा फिदा है ये इंसान आप पर, और कहीं ना कहीं प्यार भी है यहाँ पर. सोल टू सोल कनेक्शन में मुझे बहुत लोग के लिए नज़र आ रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि आप कन्फ्यूज रहोगे. ओके, बिकॉज ये इंसान इस तरीके से बिहेव करेंगे आपके पास आकर जैसे कुछ हुआ नहीं था, या फिर ये इंसान बहुत प्यार करते हैं आपको, ये आपको सब मानते हैं अपने लाइफ में, तो आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा दिसंबर मंथ में. तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इंसान रियूनियन करने तो आएंगे, जिस चीज़ का वेट कर रहे हो ना, अगर आप किसी भी पर्सन का वेट कर रहे हो, वो इंसान यहाँ पर आपको दिसंबर मंथ में डेफिनेटली आते हुए नज़र आएंगे, आपसे मिलते हुए नज़र आएंगे, लेकिन आप उस चीज़ पे खुश नहीं रहोगे. ओके, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, सही में आपको इस बार और मौका नहीं देना चाहिए, चांस नहीं देना चाहिए, और आपको सही इंसान को चुनना चाहिए, ऐसी आपकी फीलिंग होगी. हो सकता है ये इंसान सही हो, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से ये बिहेव करेंगे उस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होगा, ठीक है. तो मुझे लग रहा है कि आप अपना टाइम लोगे, लेकिन ये इंसान डेफिनेटली बात करने आएंगे, हो सकता है मिलने भी आए, ठीक है. और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फिजिकल कनेक्शंस बनाने की भी कोशिश करें आपके पार्टनर, अगर आप दोनों पास रहते हो, या हो सकता है मिलने आ जाए, देन फिजिकल कनेक्शंस की बात करें, और ऐसे बात करिए कुछ हुआ नहीं था. सो अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, और आपको अगर आपकी इंट्यूशन से आपको अगर अच्छा ना लगे, सो प्लीज़ टेक योर टाइम. ओके, अंधे होकर बह नहीं जाना है किसी के बातों पर, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को मैनिपुलेट करना आता है, ठीक है. तो जब कोई इंसान मैनिपुलेट करता है तो सामने वाला क्या होता है, सोच लेता है कि ये इंसान शायद सही में इमोशनली इन्वॉल्व है मेरे साथ. ओके, और वो आँख बंद करके विश्वास कर लेता है, और जिसको मैनिपुलेट करके बेनिफिट लेने होते हैं वो तो लेकर चला जाता है. ओके, सो नो मैटर कितना आप किससे कितना प्यार करते हैं, प्लीज़ अपना टाइम लें, प्लीज़ समझें, और याद रखें कि यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू आर अ सोल, और आपकी एक वैल्यूएबल जगह है हर एक के लाइफ में, ठीक है. तो कोई भी ऐसे आ नहीं सकता, कोई ऐसे जा नहीं सकता, ठीक है. तो ये मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं कि जिनका भी आप वेट कर रहे हैं वो इंसान डेफिनेटली आपके पास आएंगे, और बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, और बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व होकर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, बट आपको थोड़ा सा खटकेगा, आपको थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस भी आएंगे, न्यू ऑप्शंस भी आएंगे, तो आप कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट कर पाओगे थोड़ा बहुत, ठीक है. लेकिन मुझे बार बार नज़र आ रहा है, देखिए, सेवन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे यहाँ पर टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड, द वेट इज़ ओवर, द स्टार,
कैन यू सी दिस गाइस सीक्वेंस, कैन यू सी दिस ऑल दिस कार्ड्स, वाओ आई मीन ओ माय गॉड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, द वेट इज़ ओवर, द वेट इज़ ओवर। अगर अब तक आप सरेंडर थे, अब तक सिंगल थे, अब तक किसी पर्सन का रो रो कर बुरा हाल था आपका, प्लीज़ वेट, द वेट इज़ ओवर। अब आपको कुछ नहीं करना, अब लोग आपके लिए करेंगे, अब सही पार्टनर आपके पास आएंगे, जिन्होंने आपको दुख दिया, अगर आपके एक्स ने आपको दुख दिया, आपके हस्बैंड वाइफ ने आपको दुख दिया, वो आपकी वैल्यू समझेंगे। अब उनका बारी है कि वो आपके इंपॉर्टेंस को समझेंगे और वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। अभी आपको कुछ भी नहीं करना। चलिए देख लेते हैं गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। यू आर लकी पाइशियस, दिसंबर मंथ डेफिनेटली अच्छा होने वाला है आपके लिए, ट्रस्ट मी। ओके, सो बी हैप्पी ऑलवेज। टीचर ऑफ एकेंस, यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि दिसंबर मंथ आपके लिए बहुत बिजी मंथ में होने वाला है, बिकॉज बहुत सारा काम भी आप करने वाले हैं, या फिर हो सकता है कि आप पूरी तरीके से अपने एक शेड्यूल बनाने वाले हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से भी आपको इनसाइट्स मिलेंगे, जिसकी वजह से आप समझ पाओगे कि आपको लाइफ को किस तरीके से कंटिन्यू करना है, किसे चुनना है, किसे एंटरटेन करना है, किसे नहीं करना है। ठीक है, तो फाइनली आप अपना वर्थ, अपना पावर आप पहचानने वाले हैं। ठीक है, अब आप अपने आप को पहचानने वाले हैं, और आप जो हैं अब मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि किसी भी बेकार लोगों को एंटरटेन करेंगे, या फिर किसी भी टेम्पोरी लोगों को अपने लाइफ में जगह देंगे, जो कि मतलब आपका अच्छा चाहते ही ना हो। ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग हो सकते हैं कि आपके सराउंडिंग्स में रहते हैं। ओके, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।